बैक टू मिशन सक्सेस। सो सिनोनिम की सीरीज़ में हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट सिनोनिम इज़ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है अस्थाई। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इरेगुलर, ऑप्शन बी है इंटरमिटेंट, ऑप्शन सी है इम्फेमरल, ऑप्शन डी है अनस्टेबल। ट्रांजिएंट का मतलब आपको पता चल गया अस्थाई। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? तो चलिए आंसर देखते हैं। सो ऑप्शन ए है इरेगुलर यानी अनियमित, ऑप्शन बी इंटरमिटेंट मीन्स आंतरायिक, और ऑप्शन सी इफेमेरल मीन्स अल्पकालिक, ऑप्शन डी अनस्टेबल मीन्स अस्थिर। तो राइट आंसर बहुत क्लियर है, ट्रांजिएंट अस्थाई, तो इफेमेरल अल्पकालिक, यानी कि जो चीज़ थोड़े टाइम के लिए रहती है उस चीज़ को कहा जाता है इफेमेरल या ट्रांजिएंट भी कह सकते हैं। इसमें ही नीचे लिखा हुआ है अनस्टेबल यानी अस्थिर। अस्थिर और अस्थाई में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अस्थाई जो कि बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है उसको अस्थाई कहते हैं, और जो चीज़ एक जगह पे स्थिर नहीं रहती उसको अस्थिर या अनस्टेबल कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिनोनिम। सो आवर नेक्स्ट सिनोनिम इज़ डेस्टिट्यूट यानी कि बेसहारा। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एफ्लुएंट, ऑप्शन बी है इंटीजेंट, ऑप्शन सी है ह्यूमिलिटी एंड ऑप्शन डी है मॉडरेशन। सो चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है इंटीजेंट यानी निर्धन। निर्धन इंटीजेंट मतलब जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई घर नहीं है, उसको हम कहते हैं इंटीजेंट, या डेस्टिट्यूट भी कह सकते हैं जो बेसहारा है। बाकी ऑप्शन अगर हम देखें एफ्लुएंट धनी, ये तो ऑपोजिट ही हो गया, ह्यूमिलिटी विनम्रता एंड मॉडरेशन यानी कि संतुलन। तो क्या मैच हो रहा है पूरा डेस्टिट्यूट का सिनोनिम इंटीजेंट। नेक्स्ट सिनोनिम देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम है हमारा मेटल यानी कि उत्साह। सो इसके ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए है परसिस्टेंस, ऑप्शन बी है टिमिडिटी, ऑप्शन सी करेज एंड ऑप्शन डी इज लिथर्जी। तो क्या लगता है आपको क्या राइट आंसर हो सकता है इसका? चलिए देखते हैं। सो द राइट आंसर इज करेज यानी कि साहस। उत्साह के अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो परसिस्टेंस यानी अटलता, कोई चीज़ अटल होना, टिमिडिटी हो गया समयबद्धता, बिल्कुल समय का पाबंद, और डी अगर देखें लिथर्जी यानी कि सुस्ती हो गया। तो उत्साह का ऑपोजिट तो सुस्ती हो गया, ये तो होगा नहीं। अटलता और समयबद्धता का उत्साह से कोई लेने देना है नहीं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इज करेज यानी कि साहस। सो नेक्स्ट सिनोनिम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सिनोनिम है आर्डेंट यानी कि उत्सुक, एक्साइटेड किसी चीज़ के लिए। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएँ तो ऑप्शन ए है इंथ्यूसियास्टिक, ऑप्शन बी है एपेथेटिक, ऑप्शन सी इज डल एंड ऑप्शन डी कूल। तो क्या लगता है इसका सही आंसर क्या हो सकता है एक्साइटेड का? चलिए आंसर देखते हैं। सो द राइट आंसर इज एंथ्यूसियास्टिक यानी कि उत्साही। आर्डेंट का मीन उत्सुक एंड एंथ्यूसियास्टिक मीन्स उत्साही। तो बाकी अगर हम ऑप्शन देखें एपेथेटिक यानी कि उदासीन, मतलब ये तो ऑपोजिट हो गया, डल सुस्त, और कूल यानी कि उत्तेजनाहीन यानी कि हम काम डाउन सिचुएशन में जो रहता है उसको बोलते हैं कूल। नेक्स्ट सिनोनिम देखते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट सिनोनिम है हमारा इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है समान अधिकारवादी, यानी जिसको समान अधिकार प्राप्त हुए, समान अधिकार जो देता है सबको, समान अधिकार को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए है कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी स्नोब, ऑप्शन सी स्नोट, ऑप्शन डी डेमोक्रेट। तो क्या लगता है आपको क्या राइट आंसर हो सकता है इगैलिटेरियन का? तो चलिए आंसर देखते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ डेमोक्रेट यानी कि लोकतंत्रवादी। आपको पता है हमारी कंट्री भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो समान अधिकारवादी का जो सिनोनिम करेक्ट होगा वो डेमोक्रेट होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन देखें कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा, समान अधिकारवादी से कोई मैच हो नहीं रहा है। स्नोब घमंडी, स्नूट गंवार मनुष्य है। गंवार मनुष्य इस सेंस में कि जो अपने आप को ही उच्च समझे, बाकी सबको निम्न प्रजाति या जाति का समझे, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ गंवार मनुष्य कहा गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।